आर नॉट अलाउड, ठीक है। तो ये भी एक कोई भी पढ़ेगा तो बुरा लगेगा ना, ठीक है। उसके बाद सबसे मुख्य कारण जो था वो धर्म में हस्तक्षेप करना था। हर चीज बर्दाश्त कर लेते थे, खास करके हिंदू धर्म, या हिंदू धर्म की बात नहीं है, कोई भी धर्म के लोग हों, धर्म के नाम पे अगर कोई हस्तक्षेप करता है तो हर कोई सब खून खोल उठता है, ठीक है। अब ये अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है, मतलब धर्म से, धर्म के अलावा और कुछ उनको दिखता नहीं है, ठीक है। आज भी देखना मंदिर मस्जिद जैसे झगड़ा चल रहा, तो आप लोग भी कहीं ना कहीं कोई सोच रहा होगा कि यार मंदिर बनना चाहिए, कोई सोच रहा होगा मस्जिद बनना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों की सोच एक सीमित हो जाती है, वो जो पॉलिटिशियन है वो बस यही मंदिर मस्जिद करके आपसे वोट बैंक की राजनीति कर रहा है, वोट खींच ले रहा है, ठीक है। और बाकी जो और विकास की चीज़ें हैं वो सब दिखा नहीं रहा है। प्रजा भी वैसी है तो राजा भी वैसी रहता है, ठीक है। इस प्रकार से प्रजा होगी, जो उनको चाहिए वो उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो ये चीज़ अभी सिर्फ व्याप्त नहीं है, पहले भी ये सिस्टम चले आता था। तो कोई भी अपने धर्म में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करता, खास करके अब क्या किया विलियम बेंटिक सती प्रथा हटाया, ठीक है। अब वो भी हिंदू धर्म जो प्रचलित था, तो क्यों टांग रहा भाई हम लोग के धर्म में आप क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं। उसके अलावा कन्यावध निषेध एक्ट लाया, विधवा पुनर्विवाह एक्ट लाया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक कारण बनी किसका, विद्रोह का, ठीक है। और उसके अलावा जाति चिन्ह के गल्लों में जो विद्रोह हुआ था, इन लोग से ये सीख लेते गए, बट फाइनली सीख कब ली 1857 में। 1857 के बाद कोई ऐसा बड़ा विद्रोह नहीं हुआ, ठीक है। देखो वहाँ से लोग सीख ले लिए कि भाई इनके धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना है, कितना भी मार लो पीट लो, बस इसके धर्म के नाम पे कुछ नहीं होना। एक किसी किताब में एक इंसिडेंट पढ़ा भी था मैं, जैसे जब इंदार हो गए या कोई भी अंग्रेज हो गए, किसानों से लगान वसूलने जाते थे ना। अब किसान भी गरीब रहता था, अब उनको लगान नहीं दे पाते थे तो कोड़े मारना चालू कर देते थे, जितना पैसा नहीं दे पाए, जितना ड्यू है उतना कोड़े मारते थे। धीरे धीरे लोगों को कोड़े खाने की आदत हो गई, ये मानते थे कि यार टैक्स नहीं देंगे, कितना कोड़े बस पड़ेंगे ना पीठ में खा लेंगे। एक टाइम ऐसा है जैसे ही अंग्रेज पहुंचते थे, नहीं है भाई पैसा लो मार लो, तो ये सिस्टम चलने लग गया, ठीक है। लेकिन उन्हीं के नाम से अगर उसके भगवान को कुछ बोल दिए है ना, हिंदू धर्म के बारे में बोल दिए, तो वही जो गरीब किसान है वो रौद्र रूप धारण कर लेता, ठीक है। तो ये भी कहानी है, तो बस इनको ये समझ आ रही है कि इनके धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना है तो हम लोग सेफ रहेंगे, ठीक है। इतना लिखे थे, यहाँ तक समझ आए, चलिए आगे लिखिए। तो वो जितना भी लिखे हैं उसको रीड ओनली बस लिखो है ना, उसको रटना नहीं है, बस एक समझ विकसित करने के लिए कि 1857 का विद्रोह क्यों हुआ। सैनिक कारण, मिलिट्री फोर्स, आर्थिक कारण, इकोनॉमिक कॉज, इकोनॉमिक और सामाजिक धार्मिक को बोलेंगे सोशियो रिलीजियस कॉज, राजनीतिक को पॉलिटिकल कॉज। अब यहाँ से जो बोलूंगा उसको याद करना है। देखो पहला सैनिक विद्रोह लिखना 1764 में, पहला सैनिक विद्रोह, पहला फर्स्ट सिपाही होती नहीं, SEPOY, पहला जो विद्रोह था वो 1764 में हुआ आयट में। सेना में प्रथम धार्मिक विद्रोह, पहला रिलीजियस रिवॉल्ट, सेना में प्रथम धार्मिक विद्रोह 1806 में हुआ वेल्लोर में। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, सेना में दूसरा धार्मिक विद्रोह, सेकंड रिलीजियस रिवॉल्ट, दूसरा धार्मिक विद्रोह 1824 में हुआ। कौन किया तो बाजू में लिख लेना, 47 हुआ रेजिमेंट द्वारा किया गया था विद्रोह, ठीक है। आगे लिखना 1856 में लॉर्ड 1856 में
लॉर्ड कैनिंग द्वारा सेना भर्ती अधिनियम पारित किया गया, आर्मी एक्ट, आर्मी रिक्रूटमेंट एक्ट, आर्मी एक्ट पास किया गया, ठीक है, एक आर्मी रिक्रूटमेंट एक्ट, आर्मी रिक्रूटमेंट एक्ट। 1856 में लॉर्ड कैनिंग की सरकार द्वारा सेना भर्ती अधिनियम पारित किया गया। सेना भर्ती अधिनियम ये 1764 का क्या विद्रोह, ये सोच रहे हो ये कहां से विद्रोह आ गया, नहीं पढ़े तो जब बक्सर का युद्ध हो रहा था एक तरफ कौन कौन थे, मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाऊ दौला, मुगल बादशाह सहारनपुर थी, और दूसरी तरफ अंग्रेज थे। तो उस समय भी जो हेक्टर मुंडो सेनापति था ना, उस टाइम हेक्टर मुंडो की एक सेना की टुकड़ी जाके मीर कासिम के साथ मिल गई थी, ठीक है। तो पहला विद्रोह उसको माना जाता है। कभी ऑप्शन में अगर पूछ दिया 1764 रहेगा तो 1764 को टिक मारेगा पहला, बाकी इसमें किताबों में मेंशन नहीं रहता, लेकिन एक विद्रोह उस समय भी हुआ था, ठीक है। तो सेना की टुकड़ी पूरी की पूरी टुकड़ी जाके उधर मिल गई थी उस साइड, दूसरे पक्ष में। फिर 1806 वेल्लोर वाला तो बता ही चुका हूँ, जाति चिन्ह लगाने से मना कर दिया ना, माथे पे टीका नहीं लगाना, तिलक नहीं लगाना है ना, और कान में बाली नहीं पहनना है, कान नहीं छिदवाना है। तो ये सारी चीज़ें तो 1806 में जो वेल्लोर का विद्रोह हुआ उसका कारण बने। उस टाइम कौन था मद्रास का गवर्नर था, बार्लो, मद्रास का गवर्नर बेंटिक था, ठीक है। और अगर गवर्नर जो समय के बंगाल गवर्नर जनरल बनने से बार्लो था, ठीक है। 1805 से 1807 कार्यकर्ता और 1806 में विद्रोह हुआ। आगे लिखे हो गए सेना में दूसरा धार्मिक विद्रोह 1824 में हुआ 47th रेजिमेंट द्वारा। अभी कहाँ लिखा हुआ मेरे को पता नहीं, लेकिन ये बोला जाता है कि पहले हिंदू जो थे वो समुद्र पार करना पाप मानते थे, ठीक है। कहाँ लिखा हुआ मेरे को नहीं मालूम, लेकिन समुद्र पार किए तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा ये बोला जाता है। कई लोग समुद्र के पानी से नहाते भी नहीं है, क्या कारण है पता नहीं, बट ये बोला जाता है कि धर्म भ्रष्ट हो जाएगा एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। तो हम लोग एक बर्मा युद्ध पढ़े 1824 से 1826, ठीक है। ये वाला है एरिया इधर का बर्मा है ना, यहाँ से थाईलैंड लगेगा इंडोनेशिया, जो पहला आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 1826। तो वो जीते कैसे थे, तीन तरफ से आक्रमण किया गया था, एक यहाँ से सेना भेजी गई, ठीक है, एक स्थलीय सेना भेजी गई है ना, और उसके बाद एक सेना यहाँ से भेजी गई कलकत्ता के आसपास बंदरगाह। तो तीन तरफ से आक्रमण हुआ था, तीन तरफ से घेरे थे। जब लास्ट में बोला ना शुरुआत में जो बर्मा का पकड़ मजबूत था, लास्ट में लोग हार जाते हैं, तो यहाँ से जा रहे वो तो ठीक, ठीक है, यहाँ चलो आसपास से भी ट्रैवल कर ले, ठीक। ये पूरा का पूरा एक लंबा समुद्र पार करना था लोगों, ठीक है। कौन सा सागर इधर बताइए, इधर अरब सागर, इधर इंडिया, ठीक है, हिमालय सागर बोला था इसको, बिहार बंगाल बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पार करना मतलब क्या है, 1824 में जब युद्ध हुआ तो हम कुछ लोगों ने मना कर दिया था, ठीक है, कि हम अपना मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, मैं सिरा पार नहीं हूँगा। तो वहाँ पे भी एक विद्रोह हुआ था, ठीक है, जिसको दबा दिया गया, ज़्यादा विद्रोह परंपरा नहीं। 1824 में बर्मा जाने के मुद्दे पर 47th रेजिमेंट द्वारा विद्रोह हुआ, समझ आया क्यों विद्रोह किया, ठीक है। नहीं बैरकपुर नहीं, वो बैरकपुर, ठीक है, हाँ बैरकपुर विद्रोह है, बैरकपुर आपका एरिया 1824 वही है, बैरकपुर का विद्रोह जो हुआ था, ठीक, किसने किए, समुद्र पार करके जाने के कारण ना, इसी नाम से जो 1856 में जब कानून लाया गया ना, जो भर्ती एक्ट लाया सेना भर्ती अधिनियम, उसमें ये साफ साफ लिख दिया कि भाई आप एक पॉलिसी रहते हैं ना, एग्रीमेंट करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन में आप साइन करते हैं, कभी भी कुछ भी सामान खरीदें या आपको लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, ठीक है। तो उसमें आप जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक फॉर्म भी भरेंगे, एग्ज़ाम भी देने जाएंगे, तो जब तक टिक नहीं मार करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ठीक वैसे ही जब सेना में भर्ती होना है तो वहाँ लिख दिया जाता था कि अगर जरूरत पड़ने पर आपको समुद्र पार करना पड़े तो आपको पार करके जाना पड़ेगा, ठीक है, लड़ना पड़ेगा। तो भी कहीं ना कहीं एक ऐसा लगा कि यार एकदम साइन करवा रहे हैं हम लोग से, मजबूरी में काम करवा रहे हैं ना, जहाँ जहाँ नहीं रहे कि समुद्र से उस पार नहीं जाए वहाँ ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है।
उसके आगे लिखना तत्कालिक कारण है, इमीडिएट कॉज। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? तत्कालिक कारण इमीडिएट कॉज या इमीडिएट जो रीजन था इमीडिएट कॉज है। न्यू अब यहां से इंग्लिश लिखा दे रहा हूं ना, जो चीज टर्मिनोलॉजी याद करना है उसको इंग्लिश हिंदी दोनों बता दे रहा हूं, कहानी हिंदी में बता दिया। न्यू इनफील्ड राइफल इसको ऐसे लिखेंगे NEW न्यू एनफील्ड या इनफील्ड, हिंदी में होना था इनफील्ड। न्यू इनफील्ड राइफल्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन प्लेस ऑफ ब्राउन एंड न्यू इनफील्ड राइफल वर इंट्रोड्यूस्ड इन प्लेस ऑफ ब्राउन बेस, ब्राउन बेस की जगह पर न्यू इनफील्ड राइफल, हिंदी में भी इसको न्यू इनफील्ड लिखना, न्यू इनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाया गया। ब्राउन बेस की जगह न्यू इनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाया गया। अब ये कहानी पहले ही बता चुका हूँ, इसको और लिखा नहीं रहा हूँ, समझ जाना। ये जो न्यू इनफील्ड राइफल लाया गया है ना, तो इसमें क्या बोला, वो कारतूस का मसाला खोलने के लिए, मतलब मसाला डालने के लिए उसको दांत से खींचना पड़ता था, तो वो अफवाह उड़ा दिया या कोई अफवाह सही में, मतलब सही में ऐसा कुछ हुआ था कि अफवाह था ये पता नहीं। आगे कहीं अंग्रेजी इतिहासकार का बुक पढ़ोगे तो लिखते भी है कि एक मात्र षड्यंत्र था, ठीक है, षड्यंत्र मात्र, उसको नहीं लिखा रहा हूँ। सबसे पहले लिखना, सबसे पहले सर्वप्रथम दमदम के सैनिकों ने, सोल्जर्स ऑफ दमदम, सोल्जर्स ऑफ दमदम, सर्वप्रथम दमदम के सैनिकों ने कारतूस को मुंह लगाने से इनकार किया। सबसे पहले कौन? दमदम के सैनिक हैं। सबसे पहले दमदम के सैनिकों ने उसको मुंह में लगाने से इनकार किया, कारतूस को मुंह में लगाने से इनकार किया, ठीक है। कारतूस को बोले कि कार्टिजस, सोल्जर ऑफ दमदम वेयर फर्स्ट टू रेफ्यूज ओपन द कार्टिजेस विद देयर माउथ, ठीक है। इसके आगे लिखना कि मंगल पांडे प्रथम विद्रोही थे जिन्होंने रिवॉल्ट किया, ठीक है, विद्रोह किया, प्रथम व्यक्ति थे या प्रथम सैनिक थे जिन्होंने विद्रोह किया। मंगल पांडे वाज द फर्स्ट सोल्जर टू रिवॉल्ट। नीचे मंगल पांडे के नीचे दो तीन लाइन छोड़ दिया ना, दो तीन लाइन छोड़ दी। आगे लिखना
रियल रिवॉल्ट स्टार्टेड ऑन 10th May 1857। जो वास्तविक विद्रोह था उसकी शुरुआत 10 मई 1857 को होती है। ठीक है, कब? जब मेरठ के सैनिकों ने, मेरठ मतलब मेरठ की स्पेलिंग ऐसे ही है ना, MERRUT, मेरठ ऐसे लिखा था मेरठ। जब मेरठ के सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारियों पर गोली चलाई और दिल्ली की ओर बढ़ चले। The soldiers of Meerut fired at British officers and marched towards Delhi. विद्रोह की वास्तविक शुरुआत 10 मई 1857 को हुई। 10 मई 1857 को हुई। जब मेरठ के सैनिकों ने अंग्रेजी अधिकारियों पर गोली चलाई और दिल्ली की ओर बढ़ चले। अगले दिन, एक दिन बाद ही 11 मई को दिल्ली पहुंच जाते हैं और 12 मई को, डेट के सही लिखना, 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। सीज्ड दिल्ली है ना, सीज्ड दिल्ली, 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया। बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया। डिक्लेयर्ड बहादुर शाह द्वितीय एज अ एम्परर ऑफ इंडिया, शहंशाह हिंदुस्तान, शहंशाह हिंदुस्तान को घोषित किया था। तो ये भारत का सम्राट, शहंशाह हिंदुस्तान, एम्परर ऑफ इंडिया। बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया। कैसी गाय हो अभी? इंग्लिश हिंदी तो मिक्स हो जा रहा है, ठीक है। जो इजी तो चीज़ है ना उसको लिख लो, ठीक है। जो इजी ट्रांसलेशन है उसको, जो कठिन शब्द होंगे ना उसमें वोकैबुलरी को बता दूंगा। अब बहादुर शाह जफर को नेता घोषित किए हैं ना। अब बहादुर शाह जफर को नेता घोषित करने का कारण ये था, दिल्ली में मुगल बादशाह का कब से रुतबा चले आ रहा था, ठीक है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सब पड़े। औरंगजेब तक तो मजबूत थे, लेकिन फिर भी एक नाम चले आता ना किसी का, खानदानी, ठीक है। तो वैसे ही खानदानी नाम चले आ रहा था बहादुर शाह जफर का, ठीक है। तो वहाँ वो एक प्रकार से हिंदुओं के भी प्रतीक थे, समझ लो। अंग्रेजों से पहले तो कम से कम थे, है ना, अंग्रेजों से पहले कम से कम राज कर रहे थे। एक प्रकार से हिंदुओं के राजा के रूप में भी प्रतीक बन गए और मुसलमान ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है, मुस्लिम राजा। इस प्रकार से पहली बार हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली, ठीक है, हिंदू मुस्लिम का यूनिटी देखने को मिला। और यही चीज़ भारी पड़ गई किस पे? अंग्रेजों पे। पहले तो लड़ा झगड़ा के इसको, हिंदू को मुस्लिम से, मुस्लिम को पंजाबियों से, सिखों से, ऐसे लड़ा लड़ा कर राज करते थे, लेकिन वहाँ पे लड़ा नहीं पाए, ठीक है। आगे भी कमेंट करते कुछ इतिहास का कि इस मामले में हम अंग्रेजों को मुसलमानों से भिड़ा नहीं पाए, ठीक है। तो उसका आगे लिखना, जो विद्रोह कहाँ कहाँ फैला उसको लिखना ना, विद्रोह फैला डैश कर लेना, रिवॉल्ट स्प्रेडेड कहाँ कहाँ फैला। उत्तर पश्चिमी प्रांत, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, ब्लैकर्ट में लिख लेना यूपी, उत्तर प्रदेश, इसको पहले उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिमी प्रांत बोला जाता है। उत्तर पश्चिमी प्रांत, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, ब्लैकर्ट में लिख लेना उत्तर प्रदेश। बिहार और मध्य प्रांत के क्षेत्रों में ही सीमित रहा, ठीक है। कहाँ का पहला था? तो उत्तर प्रदेश, सॉरी उत्तर पश्चिम प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत, मध्य प्रांत को सेंट्रल प्रोविंस बोलते हैं।
एमपी वगैरह का कुछ हिस्सा जाता है। कहाँ कहाँ नहीं फैला उसको लिखना, बंगाल में पंजाब में कहाँ नहीं फैला, तो बंगाल में पंजाब में उड़ीसा में कश्मीर और साउथ इंडिया ना दक्षिण भारत। इतना याद करके रखिए आप लोग 10 मिनट।